भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1973 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनका पूरा नाम हार्दिक हिमांशु पांड्या है। हार्दिक के पिता का नाम हिमांशु पांड्या है, जो कार इंश्योरेंस का काम किया करते थे। उनकी मां का नाम नलिनी पांड्या है, जो कि हाउसवाइफ है। हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पांड्या भी एक क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं। हार्दिक के पिता को क्रिकेट बेहद पसंद है। वह कोई भी टीम इंडिया के मैच मिस नहीं करते हैं। हार्दिक पांड्या को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव था और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़ौदा के एम के हाई स्कूल से 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट प्रैक्टिस पर ही पूरा ध्यान देने लगे। हार्दिक पांड्या का बचपन आर्थिक तंगी और संघर्ष में गुजरा है। उनकी घर की स्थिति काफी खराब थी। हार्दिक जब 5 साल के थे तो उनके पिता हिमांशु पांड्या ने लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए फाइनेंस का बिजनेस बंद कर दिया और परिवार समेत बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बचपन में हार्दिक अपने भाई कृणाल पांड्या के साथ खूब क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट के लिए बच्चों का जुनून देखकर उनके पिताजी ने 5 साल के हार्दिक और 7 साल के कृणाल का एडमिशन किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। हार्दिक पांड्या को क्रिकेटर बनने में उनके पिताजी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता था कि हार्दिक बचपन में मैगी खाकर दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। हार्दिक पांड्या ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत 2013 में बड़ौदा क्रिकेट टीम के साथ की थी। उन्होंने 2013-14 में बड़ौदा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद हार्दिक ने 8 नवंबर 2014 को विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की थी। उस मैच में उन्होंने 69 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाया था। हार्दिक पांड्या ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। वही T20 में डेब्यू करने के 8 महीने बाद हार्दिक पांड्या ने 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। उस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 36 रन बनाए और 3 विकेट भी झटके। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, जिसके बाद हार्दिक भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी बन गए।